हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवेकन ब्रेन्स आप सबका अवेकन ब्रेन्स पे स्वागत है तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीबीटी का एग्जाम जो भी बच्चे देने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट का जेके एस एस बी के थ्रू तो उनके लिए ये एक रिवीजन सीरीज रहेगी जनरल इंग्लिश की जी हाँ जनरल इंग्लिश के लिए जो भी एम सी क्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे ताकि आपको अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिले चेक करने का मौका मिले इवेल्युएट आप अपने आप को कर पाएं तो ये क्वेश्चंस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं तो हम शुरू करते हैं अवेकन ब्रेंस पे आप सब हैं लर्न एनी टाइम लर्न एनी वेयर के मोटो के साथ तो चलो देखते हैं ये है जनरल इंग्लिश का सिलेबस आपकी स्क्रीन पे और जनरल uh, इंग्लिश के uh, ही क्वेश्चंस मैं अभी लेके आया हूँ आपकी स्क्रीन पे इस वक्त पहला क्वेश्चन है ये है पैसेज का क्वेश्चन और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसमें सूटेबल प्रोनाउन को यूज़ करना है अ पोर फार्मर राइड लिविंग ओनली थ्री थिंग्स फॉर डैश डैश टू सन्स अ मैंगो ट्री अ ब्लैंकेट एंड अ काव

हिज ही इन दोनों जगहों पे आएगा नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम कॉपी हो गया तो इसके लिए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसिस नीयरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड तो एसेंट का अपोजिट है डिसएग्रीमेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रॉम द गि आल्टरनेटिव चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेसिज द मीनिंग ऑफ गिवन एडियम और फ्रेज हिट द सेक इसका मतलब होता है टू गो टू द बैड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चूज द करेक्ट वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रेविटी। इसका uh, सही आंसर है क्रिस, uh, क्रिस, क्रिस्टनेस, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्रिस्पनेस नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिनेटिव द टीचर कॉल्ड हिज पेरेंट्स टू द स्कूल अब इसका आंसर रहेगा यहाँ पे हिज पेरेंट्स वर कॉल्ड टू द स्कूल बाई द टीचर्स नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल टेंसेज वी डैश फॉर यू इन द हॉस्पिटल इसमें रहेगा आंसर विल बी वेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स फॉर द गिवन गिटरनेटिव रायगाना रि रिगाइना गेव बर्थ टू ट्विंस इन द डैशे दिसंबर नो आर्टिकल का यूज़ होगा क्योंकि इन दिसंबर सीधा ही यूज़ होगा मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते जाएँ जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएँ ताकि टाइम कम लगे और आपका टाइम भी बचे मैं तभी जल्दी पढ़ रहा हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसिज नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड तो प्लाइट का मीनिंग यहाँ पर रहेगा एडवेंटेज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड रैक्ट का तो डिफीटेड इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे सूटेबल प्रिपोजिशन का यूज़ करना है तो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एल सी पिरे ऑन संडे बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर डैश डैश रीच द माइल स्टोन ऑफ थाउजेंड रन एंड हंड्रेड विकेट्स इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल तो टू आएगा फर्स्ट क्रिकेटर टू रीच नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द सूटेबल प्रिपोजिशन का यूज करना है हेमिल्टन वॉज बॉर्न इन द यू एस मिड वेस्ट तो इसका इन नाइनटीन थर्टी सिक्स आंसर रहेगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे मीनिंगफुल एंड फाइंड द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन ऑपोजिशन ऑप्शन तो इसमें आपका ये पैटर्न देख सकते हैं क्यू पी आर एस का रहेगा वो आप खुद भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो सूटेबल टेंस लगाना है तो रोहित हैड रिटन द लेटर बिफोर यू केम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो फ्रॉम द गिवन आल्टरनेटिव चूज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम फ्रेज इसमें है हैंग इन देयर डोंट गिव अप ठीक है इसका आंसर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट है रीअरेंज करना है तो इसका आप नीचे पढ़ के खुद भी रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए है, आपको अपने आप को चेक करना है तो इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी तो प्लीज आप खुद भी चेक करें और पढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद ब्लैक्स सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स द पीरियड ऑफ डैश डैश पीस पीस का यहां रहेगा क्योंकि द पीरियड ऑफ पीस बिटवीन द टू बैटल इज अ क्यूरियस पीस ऑफ हिस्ट्री मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे और आपका वक्त इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है तो रिवीजन का मतलब ये है कि आपके लिए इसीलिए मैंने पी भी फाइल दी है वहाँ से भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं अगर वीडियो आप जल्दी जल्दी देख भी लें और पी डी को डाउनलोड करके आराम से प्रैक्टिस करें फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन आल्टरनेटिव तो इसमें एन एलिफेंट का आंसर रहेगा सही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स यूज करना है इसमें द ऑडिटर्स वॉकड अराउंड द पैरामीटर ऑफ द ऑफिस एज दे डिस्कस द परम पैरामीटर्स ऑफ द केस इसमें थोड़ा सा स्पेस आ गया उसके लिए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फाइंड द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम फॉर द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस फॉर द गिवन अल्टरनेटिव रावन हैड बीन ड्राइंग दैट पिक्चर फॉर अ मंथ द पिक्चर हैड बीन ड्रॉन बाय द रावन फॉर मंथ्स तो पी डी एफ पीस की अवेलेबल रहेगी आप वहाँ से आराम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं देख सकते हैं मैं जल्दी आपके लिए ही कर रहा हूँ आपके टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ चूज द ऑप्शन दैट गिवज़ दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल कंप्लीट तो उसमें एक्सट्रीम स्ट्रेस कुड बी द कॉज फॉर फटीक एंड हैड एक इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक गिवन आई स्लेप्ट स्पेयर बेड लास्ट नाइट तो साथ ही मैं बता दूं साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको यहाँ से कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता रहे सब्सक्राइब uh, का बटन प्रेस करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चूज द ऑप्शन विच गिव्स द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ द पार्ट विच आर लेबल्ड ए बी सी एंड डी ठीक है टू प्रोड्यूस अ करेक्ट सेंटेंस तो इसमें ए सी डी बी का यूज किया गया है तो आप देख सकते हैं द गेट वे ऑफ इंडिया वॉज डिजाइंड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट एंड वॉज ओपन टू द जनरल पब्लिक इन द ईयर नाइनटीन ट्वेंटी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इंसर्ट द करेक्ट प्रिपोजिशन तो इसमें हाउ अबाउट मीटिंग द डैश डैश लंच टमारो इसका यूज होगा फॉर का यूज़ होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनियम ऑफ द बोन नियर द बोनियर वर्ड है इसका ये जो एंटोनियम बनेगा उसका है अनसोफिसकेटेड बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या ऑप्शन रहेगा ही ईट्स डैश डैश एप्पल अ डे तो एन एप्पल रहेगा वावल का इस्तेमाल हुआ है चूज द ऑप्शन दैट विल गिव दैट विल सॉरी मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द दिविलेज प्रिवेलिंग रेट थ्री डजन डैश डैश आर एस फोर हंड्रेड तो यहाँ पे आएगा थ्री डजन कॉस्ट रुपीज फोर हंड्रेड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो वट इज द ऑफ प्लीजिंग तो इसका आंसर रहेगा एग्रीएबल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सेलेक्ट द मीनिंग फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रेज रैबिट होल तो रैबिट होल है टू एंटर अ और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इंसर्ट द करेक्ट प्रपोजिशन इन द ब्लैंक गिवन वी गेट अप डैश डैश द मॉर्निंग एट सिक्स ए एम ए आंसर इसका ऑप्शन ए सही है तो इन इन द मॉर्निंग रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट द करेक्ट प्रपोजिशन इन द ब्लैंक गिवन आई डोंट फील डैश डैश गोइंग आउट टू नाइट तो लाइक like, इसका ऑप्शन रहेगा डी सही आई आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट टू नाइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू चूज द ऑप्शन दैट विल मेक सेंटेंस ग्रामेटिकली सेंटेंस द स्टार्स डैश डैश ब्राइट एट नाइट तो इसका ऑप्शन रहेगा सी शाइन तो मैं साथ में ही बता भी रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो ज़्यादा लंबी लग रही है टाइम कंज्यूमिंग लग रही है इसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पी डाउनलोड करके आराम से भी पढ़ सकते हो तो अपने आप को वहाँ से भी चेक कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब तो नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम एंड फ्रेज तो इसमें अ स्नैक इन द ग्रास तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा अ ट्रीचुरियस पर्सन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्री प्रिटिर नेचुरल प्रिटिन नेचुरल वर्ड है सही तरीके से अगर मैं प्रनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज आप खुद से भी कर सकते हैं अनएक्सेप्शनल क्वेश्चन आंसर इसका सी पार्ट रहेगा सी ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ प्रिटर ऑप्शन बी एगिटेट एजीटेट एजिटेट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डॉग्ड तो आंसर रहेगा डिटरमाइंड ऑप्शन सी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सूटेबल आर्टिकल का यूज होना है द हिंदू इज दी नाइन्थ मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ये अखबार की बात हो रही है हिंदू द हिंदू काफ़ी पॉपुलर न्यूज़पेपर है अगर आप कॉम्पिटिशन्स में पढ़ते हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि द हिंदू इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पेपर इन टर्म्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विध स्यूटेबल टेंसिस वाई डैश डैश माई मोबाइल फ़ोन आर यू यूजिंग वाई आर यू यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फिर उसके बाद चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसिस नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड तो इसमें सीक्रेट ऑप्शन रहेगा ब्लेंड ब्लैटन का ब्लैटेंट का ब्लैटेंट का सही ऑप्शन रहेगा सीक्रेट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है अल्टरनेटिव वर्ड चूज करो एडियम फ्रेज में गेट अंडर स्किन तो इसका आंसर रहेगा टू बॉदर अ पर्सन तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसमें भी बेस्ट एक्सप्रेस करना है गूज एग गूज एग में नथिंग ऑप्शन uh, रहेगा आंसर ए ऑप्शन रहेगा तो नथिंग इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द सिमलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फॉर्मिडिएबल हॉरिबल इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ड्स्यूटेबल पेयर ऑफ दर्ड्स का यूज होना है दी ऑब्जेक्ट ऑफ दाई माई लाइफ इज टू एड हेमलेट्स हु आर लिविंग इन एबजेक्ट पोवर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव द पॉपुलेशन ऑफ द टर्टल इन असम हैज गॉन डाउन बाय अ ग्रेट एक्सटेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये रीअरेंज करना है तो इसमें सही ऑप्शन था पी एस आर क्यू पी केरला हैड विटनेस एस द वर्स्ट फ्लड इन हंड्रेड ईयर्स आर ड्यूरिंग द मॉनसून लास्ट ईयर एंड क्यू क्लाइम्बिंग ओवर फोर हंड्रेड लाइव तो इस तरह से इसको रीअरेंज करना होता है तो आपको भी खुद से बोलना है इंग्लिश का का मेन जो है अगर आपको सीखनी है तो आपको बार बार इसको बोलना है बोलने से ज्यादा आती है प्रैक्टिस करते रहना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विच सूटेबल पेयर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग द रीन रीन होता है टेन्योर किसी भी राजा का ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा राजा इट वॉज अगेंस्ट द लॉ टू यूज अ लेदर रीन ड्यूरिंग द मानसून तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चूज द वर्ड विच द नियरलीट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डिसीमेट इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी बिल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे शी हैज हैजीन अब डैश मंडे तो प्रिपोजिशन का यूज सिंस मंडे फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल टेंस आई डैश डैश प्लेड क्रिकेट सिंस आई वाज अ वॉज अलवीनाइल होता है बचपन तो बचपने में जब हम टीन से भी कम होते हैं तो जुविनाइल उसको कहते हैं आई हैवेंट प्लेड क्रिकेट सिंस आई वॉज ज्यूनाइल तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है पचासवा क्वेश्चन सॉरी मैं कह रहा हूँ अगर मैंने तेज़ बोला होगा जल्दी बोला होगा ये महज आपके टाइम बचाने के लिए था रिवीजन कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हो उससे भी बेहतर ये है कि आप फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखें और पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ें तो फाइंड द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव एक्टिव वॉइस फ्रॉम द अल्टरनेटिव ऑल द मनी विल हैव बीन स्पेंड बाय जैकलिन जैकलिन विल हैव स्पेंड ऑल द मनी इज द करेक्ट आंसर दिस वॉज ऑल अबाउट जनरल इंग्लिश एम सी क्यू टेस्ट योर सेल्फ सीरीज तो मैंने एम सी क्यूज लाए मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज थे ये मुझे लगा आपके साथ शेयर करूँ तो मैंने शेयर किया आपको कैसा लगा आपको बताना है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस पी को भी ज़रूर शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेंस लर्न एनी टाइम लर्न एनी वेयर आई होप यू हैव इंजॉयड दिस वीडियो इफ़ यस तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें शेयर कमेंट एंड फीडबैक तो ज़रूर दें स्टे ब्लेस्ड स्टे सेफ़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल